Hi, today we will talk about what is the empirical relation between mean, median and mode. This is not always right. It's a relation. It's a very generalized result. It's an empirical relation. Empirical relation as in, when we say empirical relation, we are simply saying that this is a relation that has been found using various kinds of data. But it's not always necessary if you have a particular data and you find this thing, it will approximately be equal, it will approximately justify this relation. But ab ye nahi keh sakte ki exactly yahi aayenge answers. This is just an empirical relation jo ki humne different experiments ke through ek generalized result nikala hai ki in case agar hum teenon values nahi nikal sakte and we are able to find two values, some third value nikal sake if we need it. But otherwise ye ek generalized result hai, it will not always give you the correct answer. But ye jo relation hai, this is basically for generally it will approximately aapko ek right answer milega iske liye. Now what is this empirical relation? Generally agar hamari central value hai to we simply saying ki hamari teenon values equal honi chahiye because teenon hame ek hi cheez de rahi hai, that is a value of central value or a central tendency ka ek measure de rahi hai, or we can simply say central value. तीनों ही रिलेशंस हमें एक ही चीज़ दे रही हैं, सो इट शुड बी इक्वल. बट जनरली ये सब कब होता है? दिस इज डन ओनली इन केस ऑफ सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन, राइट? एक सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन होगी तो उसके अंदर हमारे पास यही आएगा. मतलब अगर कॉन्टिन्यूस सीरीज है तो सबके सिमेट्री में ही हमारा पूरा डेटा डिस्ट्रीब्यूटेड है, इक्वल क्लास इंटरवल्स है, सबकी फ्रिक्वेंसी सेम है and etc. etc. So in that case we will get mean equal to mode equal to median. जो हमारी सारी frequencies equal होती है continuous data में and our intervals of equal size. So in those kind of cases we can say कि हमारा data symmetrical है and उसके अंदर हमारे पास तीनों equal आते हैं. But what happens, like, so this is our data, so we can simply say, that this is our mean equal to mode equal to median. But तब क्या जब हमारा डेटा थोड़ा बहुत स्क्यूड हो, व्हेन आई एम सेइंग देखिंग दिस, दिस इज बेसिकली दैट दीज आर बेसिकली ऑन द दिस पॉइंट वी आर मार्किंग आर फ्रीक्वेंसी एंड ओवर हियर वी आर मार्किंग आर एक्सेस, राइट? सो व्हाट हैपन व्हेन वी हैव अ डेटा ऑफ दिस काइंड, लेट्स सपोज आर डेटा इज समवेयर है कि हमारा मोड तो इनिशियली आ गया लेकिन हमारे पास बहुत वैल्यूज है जो आगे इससे बहुत ग्रेटर है. सो इन दिस केस वी नो कि हमारा मोड तो यहाँ पर आ जाएगा जिसकी फ्रीक्वेंसी हाइएस्ट है. मीन हमारी जो होती है फ्लक्चुएशंस पे डिपेंड करती है, सो दैट विल बी मीन क्योंकि हमारी एक्सट्रीम वैल्यूज पे भी डिपेंड करती है. एंड इन समवेयर बिटवीन वी विल हैव आवर मीडियन. आ गया हमारे पास मीडियन. सो इन दिस केस हम कह सकते हैं हमारा इक्वल नहीं होगा क्योंकि मीन हमारा एक्सट्रीम वैल्यू से अफेक्ट हो गया तो हमारा राइट हैंड साइड है. मोड इज आर वन विद द हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी तो हमारा एकदम लेफ्ट में ही आ गया जहाँ पे हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है. एंड मीडियन विल लाई समवेयर इन बिटवीन क्योंकि वो एक मीडियन वैल्यू देखते हैं. सिमिलरली अगर हमारे पास डेटा इस तरीके से भी हो सकता था विच वुड हैव बीन समथिंग लाइक दिस. इन दिस केस वी नो दैट दिस पॉइंट इज माई मोड क्योंकि हाइएस्ट फ्रीक्वेंसी. मीन यहाँ पे कहीं आता बिकॉज अफेक्टेड बाई एक्सट्रीम वैल्यूज हमें पता है, तो वो डाउनवर्ड बायस जो होता है, मीडियम समवेयर बिटवीन में आएगा हमारा, राइट? सो हमारे पास किस तरीके से भी हो सकता है इफ़ आर डेटा इज नॉट सिमिट्रिकल, और बेसिकली हमारा डेटा जो है सिमेट्रिकल नहीं होगा तब तो हमारे पास ये आएगा, राइट? सो बेसिकली अब हमारे पास जो जनरलाइज रिजल्ट है इन दीज काइंड ऑफ केसेस विच इज़ वैलिड फॉर बेसिकली ऑल दी थ्री केसेस वी कुड से, क्योंकि बाकी सब में तो मीन मीडियन इक्वल हो जाता है, तो वी कैन सिंपली से दैट व्हाट इज़ आर रिलेशन. आर रिलेशन इज सिंपली दिस विच सेज मीन minus mode is equal to 3 mean minus median. इसके तीन तरीके बता रही हूँ, यू कैन टेक इट दिस वे, और mode is equal to 3 median minus 2 mean, और median is equal to mode plus 2/3 mean minus mode. So basically हम क्या कहते हैं कि these three relations are all equivalent. हमने क्या किया है,
इसके अंदर वी हैव सिंपली स्प्लिट इट और मोड को एक साइड ले आए तो वी गॉट दिस रिलेशन. इसके अंदर अगर हम मीडियन को एक साइड ले आते हैं तो हमारे पास ये रिलेशन आ जाता है, राइट. हमने सिंपली थ्री मीडियन को लेफ्ट हैंड साइड ले गए, मोड और मीन को राइट हैंड साइड ले गए, तो हमारे पास ये आ गया. सो इट बेसिकली हम इसको सिंपली कह सकते हैं कि ऑल दी थ्री रिलेशंस आर इक्वली रेलिवेंट, क्योंकि इट्स जस्ट दैट कि हमने वैल्यूज को इधर उधर किया है बट रिलेशन वही है. बट यहाँ पर द मोस्ट कॉमनली यूज रिलेशन और जनरली जो हम फॉर्मूला लिखते हैं हम ये वाला लिखते हैं कि मोड इज इक्वल टू थ्री मीडियन माइनस टू मीन, या फिर थ्री मीडियन इज इक्वल टू टू मीन प्लस मोड, इधर उधर करके, राइट. सो नाउ लेट्स डिस्कस एन एग्जाम्पल, हम ये रिलेशन यूज कैसे करते हैं. सो है इन अ मॉडरेटली एसिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन द मोड एंड मीन आर दिस एंड दिस, कैलकुलेट द मीडियन. हमें पता है कि इट्स मॉडरेटली असिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन के लिए ये फॉर्मूला है. अगर हमारे पास, हमें केस देखते हैं कि इन केस अगर सिमेट्रिक भी होते तो वी नो कि मीन एंड मीडियन इक्वल है एंड दिस इज ऑल्सो बेसिकली, तो मीन माइनस मोड भी जीरो हो जाएगा, राइट हैंड साइड भी जीरो हो जाएगी. अगेन इन दिस केस मीडियन, तो फिर अब लेकिन जब हम ये देख रहे हैं मोड इज इक्वल टू थ्री मीडियन माइनस टू मीन, इन दिस केस भी क्योंकि वो सब सिमेट्रिकल है इस वजह से हमारे पास मोड जो आएगा यहाँ पे हमारे पास एक वैल्यू बचेगी एंड सो ऑल दिस थ्री विल गिव मी अ सिमिलर रिलेशन, क्योंकि मेरा मीन मीडियन मोड इक्वल है. अगर मैं सबकी जगह पे मीन मीडियन मोड में हर जगह पे एक मोड या फिर मीन या फिर सिर्फ मीडियन लिख दूँ तो भी मेरा जीरो आता, तो ये रिलेशन हमेशा सेटिस्फाई होगा. हमें गिवन है कि असिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन है जस्ट टू शो अस कि मीन और मीडियन, मीन और मोड हमारा डिफरेंट है. सो द मीन एंड मोड आर दिस रिस्पेक्टिवली, कैलकुलेट द मीडियन. अब हमें पता है हमने रिलेशंस पढ़े थे, हमने अपने सबसे पहले जो रिलेशन पढ़ा था मीन माइनस मोड इज इक्वल टू थ्री मीन इंटू मीन माइनस मीडियन. हम इस रिलेशन से इसको सॉल्व करते हैं. वी कुड हैव सॉल्व इट बाय एनी रिलेशन बट आई एम सॉल्विंग इट विद दिस रिलेशन. सो माई मीन इज 35.4, my mode is 32.1 which is equal to 3 into my mean is 35.4 minus my median, kyunki median hame given nahi hai to hum isko median ko median likhte hain, and when I'll solve it I'll simply get 3.3 is equal to 106.2 minus 3 median, right. So or I can simply write it as 3 median is equal to 102.9, राइट. तो मैं इसे सिंपली कह सकती हूँ दिस इम्प्लाइज मेरा मीडियन क्या हो गया, माई मीडियन इज 102.9 upon 3, इज गिव 34.3. सो दिस इज हाउ वी यूज दैट एम्पेरिकल रिलेशन टू फाइंड सच काइंड ऑफ क्वेश्चंस. इस तरीके के क्वेश्चंस हम यूज़ करते हैं जब कभी कभी हमारे पास होता है किसी डेटा का मीन और मोड गिवन हो या फिर मीन और मीडियन गिवन हो और मोड और मीडियन गिवन हो, तो हम उस टाइम पे किस तरीके से अपनी थर्ड वैल्यू निकाल सकते हैं. अगेन दिस इज एन एम्पेरिकल रिजल्ट जो कि डेटा के एनालिसिस से जनरलाइज रिजल्ट निकला है. इट इज़ नॉट नेसेसरी कि अगर आपके पास एक डेटा गिवन है ना आप तीनों वैल्यूज निकाल रहे हैं यू चेकिंग दिस रिलेशन तो इट विल ऑलवेज सेटिस्फाई, क्योंकि एक अप्रॉक्सीमेट वैल्यू देता है. दिस इज एन अप्रॉक्सीमेट रिलेशन और जनरलाइज रिलेशन दैट इज बीन फाउंड यूजिंग वेरियस डेटाज, तो डेटाज के थ्रू एक जनरल रिजल्ट निकला बट इट विल नॉट ऑलवेज सेटिस्फाई योर डेटा. ये अप्रॉक्सीमेट वैल्यूज होती है, राइट. सो दिस इज हाउ वी फाइंड either of the value when two other values are given by using an empirical relation between mean, median and mode. I hope you like this video. Do subscribe this channel for more video. Thank you.